सलमान खान के खिलाफ ब्लैक बग पोचिंग केस की जोधपुर कोर्ट में चल रही सुनवाई से एक बड़ा अपडेट आया है। ट्यूसडे को सोनाली बेंद्रे, नीलम और तबू कोर्ट में हाजिर हुए, जहां सोनाली बेंद्रे, नीलम और तबू को एक आई विटनेस ने आइडेंटिफाई किया है। शेरा राम नाम के इस गवाह ने कोर्ट में कहा कि सोनाली बेंद्रे, नीलम और तबू उस वक्त सलमान के साथ थे। शेरा राम का कहना है कि गन शॉट्स की आवाज़ सुनकर जब वो स्पॉट पर पहुंचा, तो जिप्सी में उसने इन तीनों एक्ट्रेसेस को बैक सीट पर देखा था। जिप्सी को सलमान खान ड्राइव कर रहे थे, सैफ अली खान फ्रंट सीट पर सलमान के साथ थे, जबकि तबू, नीलम और सोनाली जिप्सी में दो और लोगों के साथ पीछे बैठे थे। वेल, अब सोनाली, तबू और नीलम को कोर्ट में आइडेंटिफाई किए जाने के बाद क्या सलमान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? ये तो फिलहाल कहना जल्दबाजी होगी, पर हाँ, ट्यूसडे और वेंसडे को जोधपुर कोर्ट में होने वाले क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद जरूर क्लियर हो जाएगा कि सलमान और उनके हम साथ साथ हैं को स्टार्स के लिए ये केस क्या अपडेट लाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।